नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स ऑफ चौधर पर, जो डॉक्टर सतीश त्यागी जी की लिखी हुई किताब है। और आज का ये जो वीडियो है दोस्तों, मेरे जिंदगी के सबसे खासम खास वीडियो में से एक है, क्योंकि आज के वीडियो में हम हरियाणा के उस राजनेता की कहानी को जानने वाले हैं जिनके बराबर का राजनेता ना आज तक हुआ है और ना भविष्य में इसकी उम्मीद की जा सकती है। किसानों और कमेरों के मसीहा के रूप में चौधरी छोटूराम जी जो लकीर खींच कर गए हैं, उसकी मिसाल पुराने पंजाब में और मिल नहीं सकती। आज का वीडियो करीबन एक घंटे का होगा दोस्तों, क्योंकि 5-10 मिनट में चौधरी छोटूराम जैसे व्यक्तित्व की कहानी को बयां करना संभव नहीं है। दोस्तों, आप सभी ने चौधरी छोटूराम का नाम सुना होगा। चौधरी, सर, राय बहादुर, दीन बंधु, रहबरे आजम, किसान मसीहा, इतने सारे सम्मान सूचक जो शब्द हैं वो चौधरी छोटूराम के अलावा भारत के किसी भी राजनेता को नसीब नहीं हो पाए। अब से एक सदी पहले उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होकर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था और 1917 में रोहतक में जब कांग्रेस वजूद में आई तो रोहतक जिला कांग्रेस के पहले प्रधान बने थे। केवल 3 साल कांग्रेस में रहने के बाद उन्होंने एक नई राजनीतिक राह पकड़ ली थी और उस राजनीतिक राह ने उनको किसानों का मसीहा बनाया। आज 100 साल से भी ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी चौधरी छोटूराम न केवल प्रासंगिक हैं, बल्कि हरियाणा की राजनीति में तो वो एक तरह से अपरिहार्य ही हैं। उनके मुकाबले का राजनेता लालटेन लेकर भी नहीं ढूंढा जा सकता। आज भी हरियाणा में चौधरी छोटूराम को खारिज करके कोई भी राजनेता या दल सत्ता की देहरी तक पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। हरियाणा, दिल्ली देहात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के बड़े हिस्से में चौधरी छोटूराम आज भी आराध्य हैं, देवता की तरह मानते हैं लोग उनको। किसान कमेरा समुदाय उनमें अपने भगवान को देखता है। हमारा राम छोटूराम आज भी हरियाणा के लाखों किसान परिवारों में ये कहते हुए लोग मिल जाएंगे, लेकिन देवताओं के अपने जोखिम होते हैं दोस्तों। इतिहास देवताओं का भी बड़ी निर्ममता से विश्लेषण करता है और ये विश्लेषण चौधरी छोटूराम का भी हुआ है। जातियों का जहर जिस तरीके से समाज में फैला है, उसने ना तो चौधरी छोटूराम जी को बख्शा, ना राव तुलाराम जी को बख्शा और ना ही किसी और महापुरुष को बख्शा है। सच्चाई यह है दोस्तों कि सार्वजनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता। चौधरी छोटूराम भी इसके अपवाद नहीं हैं। उनके प्रशंसक एक और जहां उनमें पूर्णता को देखते हैं, वहीं उनके ऐसे आलोचक भी बहुत आपको मिल जाएंगे जो उनको अंग्रेजों का एजेंट तक कहने से नहीं चूकते। उन्हें एक दौर में मुसलमानों का पिट्ठू, टोडी, शैतान सिंह, छोटू खां और पता नहीं न जाने क्या क्या कहा गया उनके बारे में, लेकिन इसके बावजूद चौधरी छोटूराम जीवन भर किसानों और कमेरों की लड़ाई लड़ते रहे। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा दोस्तों कि आज़ादी से पहले की चौथाई सदी 1920 से 1945 के दौर में पंजाब में चौधरी छोटूराम और उनकी राजनीति का ही डंका बजा। आप कल्पना करिए दोस्तों कि उस दौर में राष्ट्रीय नायक महात्मा गांधी भी चौधरी छोटूराम और उनकी यूनिस्ट पार्टी के वर्चस्व के चलते जो पंजाब था उसमें शेष भारत की तरह अपना प्रभाव पैदा नहीं कर सके, और इसका नतीजा पंजाब विशेषकर हरियाणवी क्षेत्र में कांग्रेस का जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो वांछित और उपेक्षित उष्मा पैदा नहीं कर पाया। चौधरी छोटूराम के दौर में हरियाणा क्षेत्र में देहात में लोग गांधी जी और नेहरू के नाम को भी नहीं जानते थे, इतना बड़ा कद था चौधरी छोटूराम का। कांग्रेस ही नहीं बल्कि जिन्ना भी अपनी मुस्लिम लीग के पैर पंजाब में नहीं जमा पाए। आप इससे साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि चौधरी छोटूराम और उनकी राजनीति कितनी बड़ी थी, कितने शक्तिशाली थे उस दौर में वो। और दौरे छोटूराम को समझने से पहले चौधरी छोटूराम और उनकी जिंदगी को करीब से जानना पड़ेगा दोस्तों, तभी हम पूरा जीवन काल में देख पाएंगे, झांक पाएंगे। दोस्तों, जब चौधरी छोटूराम का जन्म हुआ तब हरियाणा और इसका ग्रामीण अंचल विशेषकर कृषक समुदाय किन सामाजिक आर्थिक हालात से जूझ रहा था, सबसे पहले उस पर दृष्टि डालना जरूरी हो जाता है। चौधरी छोटूराम की जीवनी के लेखक रघुवीर सिंह शास्त्री जी संदर्भ में अपनी किताब में लिखते हैं
कि उस दौर में न तो नहरें थी और न रेलें और न सड़क होती थी। माल ढोने के लिए ट्रकों और ठेलों के दर्शन तक नहीं होते थे। हाकिम लोग भी दौरों और ऊँटों जो अपने दौरे हैं वो घोड़ों और ऊँटों पर करते थे। सभी प्रकार के यातायात बैलगाड़ी और ऊँटगाड़ी ही थे। कुछ रईस लोग इक्कों का इस्तेमाल अवश्य करते थे और उस समय न तो डीजल था न पेट्रोल था, फिर ट्रैक्टर बस और ट्रक होते भी कहाँ से। खेती का एकमात्र आधार बैल, वर्षा और कच्चे कुएं होते थे। इसलिए न तो उस समय बड़े बड़े कृषि फार्म थे और न रुई होती थी, न कपड़े होते थे, न चीनी की मिलें होती थी। चरखा, करघा, रहंटी कपड़ों के उत्पादक थे और पत्थर और लकड़ी के कोहलू गुड़ और तेल के प्रेरक होते थे। कर्जे लेने के लिए न तो सहकारी समितियां होती थी, न ही केंद्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय बैंक होते थे। उस समय सबसे छोटा सिक्का दमड़ी और सबसे बड़ा कलदार था, जिसे आज रुपया कहा जाता है। सोने का सिक्का राजा नवाबों तक सीमित था, जो असरफी कहलाता था, और हुंडिया बड़े बड़े सेठों की चलती थी। ऐसी स्थिति में भी प्राय भारतवर्ष और खासतौर से हरियाणा की अर्थतंत्र का सारा चक्र साहूकारा करने वाले महाजनों और जो गांव के साहूकार थे उनकी चारों ओर घूमता था। उस समय की सामाजिक स्थिति भी बहुत अलग होती थी। छुआछात और जातिपाति का बोलबाला था। ब्राह्मण चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो, समाज में वो पूजनीय प्राचीन काल से रहा है। उसके बाद वैश्य का दर्जा था, क्योंकि उसके पास पैसा रहता था और वो अधिकतर साहूकारी का काम करता था और गांव का करीबन हर आदमी कर्जे में डूबा होता था। कर्जा जो था वो एक पीढ़ी का कर्ज लगातार कई पीढ़ियों तक चलता रहता था। मरने वाला अपने बेटे पोतों से कह कर जाता था कि बेटा मेरा कर्ज चुका देना, नहीं तो लाला वहां वसूल करेगा। उस समय कर्जदार सभी को बनना पड़ता था। यदि किसी सौभाग्यशाली पुत्र का पिता अपने जीवन में कर्ज चुका भी देता अथवा कर्ज से बचा भी रहता, तो उसके लड़के को अपने पिता और माता की मौत के बाद जरूर कर्जा लेना पड़ जाता। बड़े बड़े नुक्ते, श्राद्ध और विवाह शादियां और अनजानेपन में की गई मुकदमेबाजियों में लोग कर्जे के दलदल में फंसे बिना नहीं रह सकते थे। 100 घरों की अगर एक छोटा सा गांव या बस्ती होती थी, उसमें केवल तराजू बाट लेकर नया आबाद होने वाला वणिक 10 साल में बोरा, महाजन और साहूकार बन जाता था और गांव की सारी चौधर, पटेलगिरी और नेतापन उसके इर्द गिर्द घुमा करते थे। ये उस समय का सामाजिक माहौल था, जो जितना ही गांव के लोगों को लड़ाने, पार्टीबंदी कराने और मुकदमेबाजी में फंसाने में चतुर होता था, उस साहूकार के उतने ही पौबारे रहते थे। साहूकार के कर्जे पर किसान लाहौर में तारीख भुगतते थे और वकीलों के पास जीवन भर लुटते रहते थे। अगर उस समय की शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा वैश्यों के हिसाब किताब, खास तौर से ब्याज फलाने और बही खाते रखने तक, और ब्राह्मणों की शिक्षा विवाहों में मंत्र पढ़ने, साहेब सौद देने और जन्मपत्री बनाने देने की कला सीखने और आम लोगों की चिट्ठी पत्री लिख पढ़ने की उस तक सीमित होती थी। और दोस्तों, ऐसे परिवेश में 24 नवंबर 1881 को रोहतक जिले के गढ़ी सापला गांव में एक किसान परिवार में एक बालक का जन्म होता है, जो भविष्य में चोरी छोट राम बनते हैं। उनके परदादा खेती के अलावा रुपयों के लेन देन का काम भी किया करते थे, इसलिए उनके समय में घर की आर्थिक दशा औसत दर्जे की थी और अपने हाथ से खेती करने वाले जमींदारों की अपेक्षा उनका घर बहुत अच्छी हालत में था। बपोती की जो उनकी जमीन थी वो 48 बीघे कच्चे ही थी, लेकिन 60 बीघे कच्चे के लगभग जो जमीन थी उनके पास रेहन में रखी हुई थी। 1875 में परदादा की मृत्यु के बाद उनके द्वारा खरीदी गई कुछ जमीन पर मुकदमेबाजी चली और इस मुकदमेबाजी में इतना अधिक खर्चा हुआ कि घर की सारी जमा पूंजी समाप्त होने के अलावा कुछ कर्जा भी सिर पर चढ़ गया। परिवार की जिम्मेदारी जिस दौरान इनके दादा के हाथों में थी, तो कभी कर्जा इन पर नहीं हुआ, लेकिन दादा के जीते जी इनके पिता सुखीराम ने अपनी 35 वर्ष की उम्र में घर का कामकाज अपने हाथों में संभाल लिया था। पिता को भी लेन देन और व्यापार और रुपए का शौक था। वे खेती के खानदानी पैसे के साथ साथ लेन देन और व्यापार भी करने लगे थे और इन दोनों नए कामों में कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। 1894 और 1897 में उन्हें
रुई के व्यापार में काफी नुकसान हुआ और फलस्वरूप उनके जिम्मे कुछ कर्ज हो गया। साहूकारों को उन पर ऐसा विश्वास था कि उनका हाथ कभी नहीं रुकने दिया। उनकी गिनती बहुत अच्छे असामियों में होती थी और वे जब कभी कर्जा चुकाने का इरादा करते थे तो साहूकार जानबूझकर कुछ ना कुछ कर्जा उनके ऊपर रखने का आग्रह जतन किया करते थे। पिता का देहांत 1905 में हुआ तो वे अपने ऊपर कर्जा छोड़कर गए, जिसे चौधरी छोटूराम ने 1913 में अपनी वकालत की कमाई से चुकता किया। दादा की मृत्यु पिता की मृत्यु से 2 साल बाद हुई। और यह भी देखिए कि चौधरी छोटूराम ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में सत्ता शासन में रहते हुए किसानों को कर्ज मुक्त कराने की भरसक जो प्रयास हैं वो किए और उनमें बड़े पैमाने पर सफलता भी उनको हासिल हुई। इस प्रक्रिया में वो साहूकारों के शत्रु के रूप में भी ख्यात हुए और यही शत्रुता उनकी राजनीति का आधार स्तंभ बनी। लेकिन ये भी सच्चाई है कि खुद उनके परदादा, दादा और पिता ने भी साहूकारा किया, व्यापार भी किया। शहरी साहूकारों से भी उनके परिवार के अच्छे संबंध थे, लेकिन चौधरी छोटूराम इन्हीं साहूकारों के खिलाफ लड़े। बालक छोटूराम जी जब 9 साल के हुए तो वो स्कूल गए और 10 साल 11 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया। पढ़ने लिखने में वो शुरुआत से ही तेज थे। 1899 में उन्होंने मिडिल की परीक्षा में पूरे पंजाब में 2रा स्थान हासिल किया। मैट्रिक की पढ़ाई के लिए उन्होंने दिल्ली के मिशन हाई स्कूल, जो सेंट स्टीफन स्कूल जिसको कहा जाता है, उसमें उन्होंने दाखिला लिया और मैट्रिक भी फर्स्ट जो क्लास है उसमें पास की। इसी स्कूल से उन्होंने FA फैकल्टी ऑफ आर्ट यानी कि 12वीं की कक्षा पास की बहुत अच्छे नंबरों से। इस साल सरेराहा गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर उनकी मुलाकात सेठ छाजूराम लांबा से हुई और उनको धर्म के पिता का साथ मिल गया। सेठ जी की आर्थिक मदद से ही चौधरी छोटूराम ने सेंट स्टीफन्स कॉलेज से BA किया और इस तरह 6 वर्ष का प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान से शिक्षा ग्रहण करने के बाद हरियाणा के पहले स्टेफियन वो बने। ये बहुत गर्व की बात उस दौर में होती थी दोस्तों। 1854 में स्थापित सेंट स्टीफन्स स्कूल और 1881 में स्थापित सेंट स्टीफन्स कॉलेज अपनी स्थापना के बाद से ही देश के सबसे अच्छे शिक्षण संस्थानों में गिने गए, अग्रणी रहे। 1905 में BA करने के बाद छोटूराम ने अगले साल काला कांकर के, जो उत्तर प्रदेश के राजा रामपाल सिंह थे, उनके सहायक निजी सचिव के रूप में नौकरी शुरू की और उनको वहाँ से 40 रुपये मासिक वेतन और रहने खाने का निःशुल्क सुविधा राजा रामपाल सिंह जी ने प्रदान कर रखी। राजा रामपाल सिंह कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे। अंग्रेजी और हिंदी के 2 साप्ताहिक समाचार पत्र भी निकाला करते थे। चौधरी छोटूराम अंग्रेजी के हिंदुस्तान के सहायक संपादक के रूप में अतिरिक्त दायित्व उनको राजा रामपाल सिंह ने दे दिया और वो अखबार के लिए कॉलम लिखने लगी। काला कांकर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उन्होंने अचानक भरतपुर रियासत में सेवा देने का निश्चय किया और काला कांकर को छोड़कर वो भरतपुर पहुंच गए, लेकिन भरतपुर में उनको नौकरी नहीं मिली। काला कांकर छोड़ने के बाद छोटूराम जी के जीवन में 4-5 साल अनिश्चितता भरे रही और इसी बीच उन्होंने लाहौर के ला कॉलेज में दाखिला ले लिया। वकालत की पढ़ाई उन दिनों कचहरियों और स्कूलों के समय के अतिरिक्त समय में होती थी, इसलिए पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए उन्होंने रंगमहल मिशनरी हाई स्कूल, जो 1849 में स्थापित हुआ था, इंग्लिश मीडियम का पंजाब का पहला स्कूल था, उसमें 50 रुपये मासिक पर अध्यापक के रूप में नौकरी शुरू कर दी। इसके अलावा वो कुछ एक बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा दिया करते थे, लेकिन उस समय पंजाब में प्लेग फैल गया। दिल्ली से लाहौर तक का इलाका प्लेग की चपेट में आ गया और ऐसी स्थिति में छोटूराम जी के लिए लाहौर छोड़ना जरूरी हो गया। और जब वो ये विचार कर रहे थे तभी उन्हें काला कांकर के राजा की तरफ से दोबारा नौकरी का प्रस्ताव मिला और फिर वो वहाँ नौकरी करने चले गए। इस बार राजा साहब ने उनको शिक्षा विभाग का सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया और अन्य सुविधाओं के अलावा उनके लिए 60 रुपये मासिक वेतन का बंदोबस्त किया। लेकिन जैसे तैसे 1 साल नौकरी करने के बाद वे काला कांकर से आगरा आ गए और LLB में दाखिला ले लिया। 1911 में चौधरी छोटूराम जी BA LLB हो गए और आगरा में ही वकालत करने लगे। लेकिन उनका मन रोहतक में लगा हुआ था, क्योंकि आदमी अपनी जड़ों में लौटता है। उन्होंने आगरा छोड़कर रोहतक आने का फैसला लिया और सितंबर 1912 में चौधरी छोटूराम जी रोहतक आ गए। रोहतक में उन्होंने एक किराए का मकान लिया
और रोहतक कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। इस समय उनकी आयु 31 साल की हो चुकी थी और 64 साल की आयु में उनका निधन हुआ। और इस हिसाब से देखें तो रोहतक आने से पहले अपने जीवन का लगभग पूर्वाध वो पूरा कर चुके थे और अब उत्तरार्ध की यात्रा प्रारंभ हो रही थी। चौधरी छोटूराम से पहले रोहतक में तीन और जाट वकील होते थे, चौधरी नवल सिंह, चौधरी रामचंद्र और चौधरी लालचंद फोगाट। इनमें से सबसे पहले चौधरी नवल सिंह ने 1909 में रोहतक में वकालत शुरू की थी। चौधरी लालचंद फोगाट ने जुलाई 1912 में वकालत शुरू की थी और चौधरी छोटूराम ने अक्टूबर 1912 में प्रैक्टिस शुरू की। फरवरी 1913 में चौधरी लालचंद और चौधरी छोटूराम ने साझा वकालत शुरू की और 1921 तक दोनों के बीच ये व्यावसायिक साझेदारी बनी रही। 1912 में चौधरी छोटूराम जी जब रोहतक वकालत की प्रैक्टिस के लिए आए तो दिल्ली से सटे हुए इस जिले की ग्रामीण जनता की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दशा के बारे में बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। और रघुवीर शास्त्री जी अपनी किताब में लिखते हैं कि 100% जमींदार उस समय ऋण भार से यहाँ दबे हुए थे, गरीबी से उनके जीवन का अटूट नाता बन चुका था, गाढ़े की अंगरखी और मोटी धोती भी उनके पास इतनी नहीं होती थी कि हर मौसम में शीत, धूप और बरसात का काम दे पाएं। रिश्तेदारियों में जाने के लिए लोग एक दूसरे से कपड़े मांगा करते थे और उस समय बहुत कम लोग ऐसे होते थे जिनकी फसल में से 2 महीने के लिए भी अनाज के दाने उनके पास बसते हैं। गांव का सारा अनाज महाजन के घर पहुंचता था और फिर वहीं से सब साल भर लाते रहते थे। प्रत्येक मरने वाला बाप विरासत में 2-4 बीघे जमीन के साथ ही अपने बेटे के सिर पर कर्ज का बोझ देकर सांस छोड़ता था। किसी भी गांव में 5% भी पक्के मकान जमींदारों के पास नहीं होते थे। वे हमेशा ही महाजन की कृपा के ऊपर आश्रित थे और सामाजिक स्थिति भी उनकी बहुत हीन होती थी। वैश्य तथा ब्राह्मण उनके यहाँ खाना तो दूर, उनके हाथ का पानी भी पीने से गुरेज करते थे। महाजन के सामने लोगों को नीचे बैठना पड़ता था। हाँ, आर्य समाज के प्रचार से इन लोगों में जागृति आ गई थी। उनका स्वाभिमान जो था वो लौट रहा था और वे शिक्षा आदि की दीक्षा जो दिशा है उसमें रुचि लेने लगे थे। 1909 में जब रोहतक में चौधरी नवल सिंह ने वकालत शुरू की थी तो वकीलों में हलचल मच गई थी, क्योंकि चौधरी नवल सिंह पहले ऐसे जाट वकील थे जिन्होंने वकालत शुरू की थी। उससे पहले जो सारे वकील होते थे वो या तो बणिए होते थे या ब्राह्मण होते थे या कायस्थ होते थे। चौधरी छोटूराम चौथे जाट वकील के रूप में रोहतक कचहरी में पहुंचे थे और अब जो कचहरी थी अब उसमें जो वकील हैं वो जाट और गैर जाट के रूप में विभाजित उस समय हो गए थे। चौधरी छोटूराम अपने तीनों जाति बंधु वकीलों से अलग किस्म के थे। उनके स्वभाव में विद्रोह का तत्व था और वो अन्याय के खिलाफ लड़ने का मादा रखते थे। उन्होंने रोहतक कचहरी में अपने तरीके से काम करना शुरू किया और उन्होंने शहरी वकीलों के रवैये के विपरीत अपने जो मोक्किल गांव देहात के लोग होते थे उनको पूरा मान सम्मान देना शुरू किया। चौधरी छोटूराम उनको कुर्सी मुड्ढे पर बैठाते थे। इसके अलावा वकील छोटूराम देहाती लोगों के साथ नीचे चादर पर बैठ जाते थे और उनके साथ हुक्का भी गुड़गुड़ाया करते थे। उनका ये व्यवहार उन शहरी वकीलों को बेहद नागवार गुजरा जो खुद को हाकिम समझा करते थे और मोक्किलों को हे दृष्टि से देखा करते थे। चौधरी छोटूराम के इस नए चलन से उनके साथी वकीलों में परेशानी होने लगी। उन्होंने चौधरी छोटूराम को कहा भी कि ऐसा कोई काम ना करे जिससे वकीलों का स्तर गिरे। इस पर उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि जो वकील हैं वो तो मजदूर हैं, मालिक तो मोक्किल है, और यह पहली बार हो रहा है कि मजदूर मालिक से अपने आप को ऊंचा समझता है। मोक्किल को अशिक्षा और भोलेपन से आप लोग जो उसका नाजायज फायदा उठाते हैं ये ठीक नहीं है। चौधरी छोटूराम की परवरिश जिस माहौल में हुई, जिन हालात में उन्होंने अपनी आधी जिंदगी जी, उसने ही उनकी शेष आधी जिंदगी को आधार और आकार दिया। दोस्तों, अपनी आधी जिंदगी में उन्होंने बहुत करीब से किसानी और किसान की बदहाल और बेबस जिंदगी को न सिर्फ देखा था बल्कि काफी हद तक वो खुद भी इसके भुक्तभोगी थे। इसलिए जीवन के मध्यांतर के बाद जब वे सत्ता के शिखर पर पहुंचे तो उन्होंने पंजाब के किसानों की जिंदगी को संवारने की जी जान से कोशिशें की और ऐसा उन्होंने कर दिखाया। उनकी कोशिशें कामयाब हुई और इस कवायद में उन्हें किसान मसीहा का खिताब मिला
और इसके साथ ही वे पलवल से काबुल तक फैले पंजाब में एक जाना पहचाना नाम हो गए। चौधरी छोटू राम रोहतक आए तो थे वकालत का धंधा करने, लेकिन उनके मन में शायद कुछ और चल रहा था और जो नीति थी वो भी इनके लिए कुछ और तय कर रही थी। रोहतक में उनकी मुलाकात चौधरी लालचंद फोगाट से हुई और चौधरी लालचंद फोगाट का जिले के अंग्रेज अधिकारियों से खासा तालमेल था और इस तालमेल का जो लाभ है वो चौधरी छोटू राम को भी मिला। अब चौधरी लालचंद जी का नाम आ गया है तो चौधरी लालचंद जी के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी देता हूँ। चौधरी छोटू राम और चौधरी लालचंद की जोड़ी ने न केवल लंबे समय से वकालत में ये जोड़ी कामयाब रही, बल्कि दोनों की मित्रता ने संयुक्त पंजाब की राजनीति में भी नए बदलाव लाए। चौधरी लालचंद फोगाट ने ही देश में सबसे पहले सबसे बड़े रियल्टी ग्रुप DLF की स्थापना की थी। 1946 से उनके बेटे चौधरी राघवेंद्र सिंह ने इसको आगे बढ़ाया। DLF ग्रुप के मौजूदा चेयरमैन जो हैं KP सिंह जी, वो राघवेंद्र सिंह जी जो थे उनके दामाद हैं। राघवेंद्र सिंह जी खुद भी दिल्ली विधानसभा के सदस्य रहे थे। चौधरी छोटू राम का जन्म तो रोहतक जो दिल्ली मार्ग है उसमें खेड़ी सांपला में हुआ ही था। चौधरी लालचंद फोगाट जी का जन्म रोहतक सोनीपत मार्ग पर भालोट गांव में हुआ था। दोनों ने ही 1912 में रोहतक में वकालत शुरू की थी, लेकिन चौधरी लालचंद ने चौधरी छोटू राम से 4 महीने पहले वकालत शुरू की थी। वकालत के पेशे में आने से पहले चौधरी लालचंद 5-6 साल नायब तहसीलदार भी रहे थे। दोनों की वकालत की यह साझेदारी 1921 तक चली और इस दौरान उनकी वकालत की जो आमदनी थी वो 2000 रुपये प्रति माह तक पहुंच गई थी। बहुत बड़ी राशि ये उस समय की थी। 1915 में चौधरी लालचंद पंजाब काउंसिल के सदस्य बने और इसी साल उनको प्रदेश सैनिक भर्ती बोर्ड का सदस्य भी नियुक्त किया गया। साल 1921 में वो निर्विरोध पंजाब काउंसिल के लिए चुने गए, क्योंकि उनके विरोधी प्रत्याशी का नामांकन पत्र तकनीकी वजह के चलते खारिज हो गया था, लेकिन बाद में चौधरी लालचंद के चुनाव की वैधता के संबंध में याचिका डाली गई और उसका परिणाम यह हुआ कि चौधरी लालचंद का चुनाव भी अवैध घोषित हो गया और उनको त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव हुए और चौधरी घासीराम अहलाना विजयी हुए और 1921 से 1923 तक वो MLC रहे। और इसे चौधरी लालचंद फोगाट जी की बदकिस्मती ही कहा जाएगा कि 1923 का चुनाव जीतने के बाद भी उनको इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि तब पराजित प्रत्याशी चौधरी माथुराम हुड्डा ने चुनावी याचिका दाखिल कर दी और लालचंद जी का चुनाव भी अवैध घोषित हो गया और इस दफा उनको अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। जिंदगी किस तरीके से मोड़ लेती है यह चौधरी लालचंद फोगाट जी के जीवन से भी देखा जा सकता है। मंत्री पद के उनके इस्तीफे के बाद ही उनकी जगह पर चौधरी छोटू राम को मंत्री बनाया गया। इस सियासी हादसे के बाद चौधरी छोटू राम ने चौधरी लालचंद जी को भरतपुर रियासत में मंत्री बनवाया और इस तरह से चौधरी लालचंद फोगाट जी का पंजाब में राजनीतिक जीवन खत्म हो गया। चौधरी छोटू राम जी ने 1920 में पंजाब काउंसिल के लिए हुए सबसे पहले चुनाव के जरिए काउंसिल में प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन वो चुनाव हार गए। बाद में एक उपचुनाव के जरिए वे काउंसिल में प्रवेश कर गए और 3 साल बाद 1923 में पंजाब काउंसिल के लिए हुए चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की और सितंबर 1924 में वो मंत्री बन गए। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 1912 में रोहतक आने के बाद से लेकर काउंसिल के सदस्य चुने जाने तक के लगभग एक दशक के कालखंड में रोहतक ही उनका कार्यक्षेत्र रहा। यही दशक उनके करियर का सबसे फॉर्मेटिव हिस्सा था, जिसने उनके भावी राजनीतिक और सामाजिक जीवन को आकार दिया। इन 10 सालों में चौधरी लालचंद की साझेदारी में उन्होंने वकालत की और इसके माध्यम से समूचे रोहतक जिले, खासतौर से देहाती इलाकों में चौधरी छोटू राम छाते चले गए। 1913 में उनके प्रयासों से जाट हाई स्कूल की स्थापना रोहतक में हुई। 1916 में उन्होंने उर्दू का साप्ताहिक अखबार जाट गजट भी निकालना शुरू किया। जाट गजट के जरिए उन्होंने रोहतक जिले के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग तो छेड़ी ही, साथ में देहाती और किसानों की तकलीफदेह जिंदगी कहानी भी उन्होंने अपनी कलम के माध्यम से उकेरना शुरू किया। काला कंकर का जो उनका अनुभव था अखबार में काम करने का, अब वो यहाँ काम आ रहा था।
पहला विश्व युद्ध जो 1914 से 1919 का हुआ, इस दौरान ब्रिटिश आर्मी की भर्ती के लिए उन्होंने खासा काम किया, जिसके लिए उनको राय साहब का खिताब भी मिला। साल 1917 में वो कांग्रेस के जिला प्रधान भी बने और लगभग 3 साल तक इस पद पर रहे, और जाहिर है कि 1920 तक चोईचोट रामजिला रोहतक की एक बड़ी शख्सियत बन चुके थे। रोहतक प्रवास के इस एक दशक में चोईचोट राम के कद को बढ़ाने और उनके अपने संघर्ष का योगदान तो था ही, लेकिन रोहतक के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर जो थे उनमें भी उनकी भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही। इस दौर में 3 डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे हुए, एक किलबर्ट थे, एक हरकोट थे, एक बोलस्टर थे। इनमें से 2 से चोईचोट राम के बहुत दोस्ताना संबंध रहे और उन्होंने चोईचोट राम की हर तरीके से मदद की, लेकिन जो बोलस्टर था उनसे उनका टकराव रहा और इस टकराव ने भी चोईचोट राम का कद बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। हरकोट से चोईचोट राम का परिचय दिल्ली में पढ़ते हुए हुआ था और चोईचोट राम की अक्षमताओं को देखते हुए हरकोट ने उनको जिला सैनिक भर्ती बोर्ड कमेटी का सचिव नियुक्त किया था। इसके साथ ही भ्रष्टाचार विरोधी समिति होती है उसके मंत्री का कार्यभार भी उनको सौंपा था। इस तरह से चोईचोट राम एक ऐसे नेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे जिसकी ना केवल शासन प्रशासन में चलती थी बल्कि देहात में भी उनको जाना जाता था। आज 1 सदी बाद भी लोग इसी पैमाने पर हर नेता को मान्यता देते हैं कि उसकी शासन प्रशासन पे कितनी पकड़ है और लोगों पे कितनी है। रोहतक में रहते हुए चोईचोट राम के नेतृत्व के सामने कोई विशेष चुनौती नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन तब तक इस क्षेत्र में जड़ें ही नहीं जमा पाया था। बाद में चोईचोट राम के बरक्स जो तत्कालीन रोहतक जिले के कांग्रेसी नेता थे पंडित श्रीराम शर्मा खड़े हो गए और रोहतक की राजनीति 2 ध्रुवी में बट गई। पंडित श्रीराम शर्मा जी उम्र में तो चोईचोट राम से 18 साल छोटे थे और उनका सार्वजनिक जीवन में प्रवेश 21 साल की आयु में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से शुरू हुआ था और तब तक चोईचोट राम जी एक बार के लिए चुनाव भी लड़ चुके थे। चोईचोट राम जी का कांग्रेस छोड़ना और पंडित श्रीराम शर्मा जी का कांग्रेस में सक्रिय होना 2 समांतर घटनाएं हैं। और इसी समय बिंदु से रोहतक की राजनीति में 2 ध्रुव बनते चले गए। 1923 में जब कौंसिल चुनाव जीतकर चोईचोट राम जी लाहौर पहुंचे तो श्रीराम शर्मा जी ने इसी साल उर्दू का साप्ताहिक अखबार हरियाणा तिलक का प्रकाशन शुरू कर दिया। कह सकते हैं कि जब चोईचोट राम की सत्ता की यात्रा शुरू हुई तब श्रीराम शर्मा जी की संघर्ष यात्रा शुरू हुई। आजादी से पहले रोहतक की जमीनी राजनीति और पंजाब कौंसिल में चोईचोट राम और पंडित श्रीराम शर्मा हमेशा आमने सामने रहे। करीबन 4/4 सदी तक चोईचोट राम बनाम पंडित श्रीराम शर्मा की सियासी जंग रोहतक में जारी रही और इस सियासी जंग का अंत चोईचोट राम के निधन के साथ हुआ। पंडित श्रीराम शर्मा अपने विद्यार्थी जीवन में ही गांधी जी से प्रभावित होकर पढ़ाई लिखाई छोड़कर 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे और असहयोग आंदोलन के सबसे बड़े सत्याग्रही होने का गौरव भी उनको हासिल हुआ था। सबसे पहले आंदोलनकारी वे बने और कहलाए, क्योंकि असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत से पहले ही श्रीराम शर्मा ने झज्जर के टाउन हॉल पर लहरा रहे ब्रिटिश आधिपत्य के प्रतीक यूनियन जैक को उतारकर फेंक दिया था। तो बहुत युवा वो थे। उनके इस कर्तव्य पर गांधी ने कहा था कि श्रीराम शर्मा ने काम तो बड़ा बहादुरी का किया परंतु ये कुछ जल्दी कर गए। गांधी जी के हरेक आंदोलन में उनकी गिरफ्तारी हुई और अपनी जवानी के 7.5 साल उन्होंने जेल में गुजारे। असल में श्रीराम शर्मा जी ने ही हरियाणा में राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस की जमीन तैयार करने की फसल भी उगाने का काम किया। दोस्तों, जिस कालखंड में चौधरी छोटूराम की पार्टी सरकार में अपने दखल से किसानों की बदहाली को खुशहाली में बदलने की कवायद कर रही थी, उसी दौर में श्रीराम शर्मा दूसरी धुरी पर खड़े होकर देश की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। लड़ाई दोनों ही तरफ से जारी थी, एक किसानों के लिए लड़ रहा था, एक देश के लिए लड़ रहा था। अक्टूबर 1999 में झज्जर कस्बे में जन्मे श्रीराम शर्मा जी की जिंदगी चोईचोट राम की जिंदगी से कई मायनों में अलग थी। प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल में जन्मे पंडित श्रीराम शर्मा जी को चोईचोट राम की तरह सामाजिक विषमताजन्य शोषण का शिकार कभी नहीं होना पड़ा। न ही उन्होंने ऐसा कुछ भोगा था जिसे चोईचोट राम की तरह वो विद्रोह का रास्ता अख्तियार करते। उनके सामने केवल फिरंगी दास्ता से मुक्ति का सवाल था और वो इस काम में जुटे हुए थे। चोईचोट राम और पंडित श्रीराम शर्मा का असल टकराव 1923 में शुरू हुआ, जब श्रीराम शर्मा ने असहयोग आंदोलन में
रोहतक जिले की तरफ से शिरकत शुरू की। चोई छोटराम के अखबार की टक्कर में पंडित श्रीराम शर्मा ने साप्ताहिक पत्र हरियाणा तिलक उर्दू और हिंदी में रोहतक से 1923 में निकालना शुरू कर दिया और ये 50 सालों तक ये अखबार प्रकाशित होता रहा। श्रीराम शर्मा जी छोटूराम जी की मृत्यु के 44 साल बाद 1989 तक जीवित रहे, लेकिन उन दोनों का दो दशक तक टकराव हरियाणा की राजनीति में जो इतिहास गढ़ गया उसकी झलक आज भी पुराने रोहतक में देखी जा सकती है। पुराने रोहतक में आज भी जाट और ब्राह्मण में टकराव देखने को मिलता रहता है, भले ये ऊपरी तौर पर ना हो, ये अंदर दबी जुबान हमेशा यहाँ चलता है। पंडित श्रीराम शर्मा जी ने 1926 में पंजाब काउंसिल के चुनाव में भाग लेने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन नामांकन के समय वे खुद उपस्थित नहीं हुए थे तो चुनाव अधिकारी ने उनका नामांकन स्वीकार नहीं किया था। 1937 में उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता। यह चुनाव उन्होंने रोहतक हिसार गुड़गांव के शहरी क्षेत्र से लड़ा और चुनाव में उनका मुकाबला हिसार के एक संपन्न कारोबारी लाला जयदेव से था। आर्थिक रूप से पंडित श्रीराम शर्मा लाला जयदेव के सामने निर्धन ब्राह्मण ही थे, लेकिन निर्धन ब्राह्मण ने संपन्न वैश्य को चुनाव में पराजित कर दिया और इसके साथ ही पंडित श्रीराम शर्मा ने काउंसिल में प्रवेश किया। उस समय बिंदु के हिसाब से पंडित श्रीराम शर्मा ने चोई छोटूराम के वैचारिक राजनीतिक विरोध को काउंसिल के रूप में एक नया और बेहद प्रभावी मंच मिल गया उनको। चोई छोटूराम के निधन के बाद यूनिस्ट पार्टी का हरियाणा में सिराजा बिखर गया। अब श्रीराम शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस के भीतर से ही जो पंडित श्रीराम शर्मा जी का नेतृत्व था उसको चुनौतियां मिलनी शुरू हो गई और इसके लिए पंडित श्रीराम शर्मा जी का आचरण ज़्यादा जिम्मेदार था, क्योंकि कहते हैं कि वो अधिनायकवादी उनका स्वभाव होता था। शर्मा जी समूची कांग्रेस को अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे और उनको ये स्वीकार नहीं होता था कि कोई भी नेता कांग्रेस में उनको बाईपास करके अपनी जगह बना ले। ऐसे में 1946 में विधायक बने एक युवा नेता हरियाणा में कांग्रेस आलाकमान का दर्जा रखने वाले पंडित श्रीराम शर्मा से मिले तो पंडित जी ने उनको कहा कि आप भले ही विधायक हो लेकिन मेरी बिना अनुमति के डीसी से मत मिला करो। पंडित जी के इस वक्तव्य से हैरान उस नौजवान विधायक ने कहा कि पंडित जी यह संभव नहीं है, जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए डीसी साहब से मिलना पड़ेगा। और पहली बार विधायक बने इस युवा के इस कथन से पंडित जी नाराज हो गए और उन्होंने गुस्से में कहा कि देख भाई, रोहतक में दो तख्त हैं, एक मेरा और दूसरा श्रीचंद का, तुम फैसला कर लो कि तुम्हें किस तख्त पर बैठना है। और युवा विधायक ने जवाब में कहा कि शर्मा जी, तीसरा तख्त मेरा होगा। और उसी दिन कांग्रेस में पंडित जी को चुनौती देने वाले नेता का जन्म हुआ और ये युवा विधायक थे प्रोफेसर शेर सिंह, जो अगले 50 साल तक कांग्रेस की एक बड़ी दूरी हरियाणा में रही। खैर, जनवरी 1945 में चोई छोटराम के निधन के बाद उनकी सियासी विरासत को उनके भतीजे चौधरी श्रीचंद ने संभालने की कोशिश की। चोई छोटराम की जो झज्जर विधानसभा थी वहाँ से चोई छोटराम जी विधायक थे, उनके निधन के बाद जो खाली सीट हुई उसमें उपचुनाव हुए और चौधरी श्रीचंद ने जीत हासिल की। इस उपचुनाव को लेकर कांग्रेस गंभीर नहीं थी, लेकिन अंतिम चरण में कांग्रेस ने अपनी सोच में बदलाव करते हुए झज्जर क्षेत्र में उभर रहे युवा नेता प्रोफेसर शेर सिंह के सामने चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन शेर सिंह ने यह कहते हुए प्रस्ताव नामंजूर कर दिया था कि मेरा अभी चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है, मैंने उस तरीके से तैयारी नहीं की है। तो कांग्रेस ने चुनाव में कोई रुचि नहीं दिखाई और अब जबकि जो चौधरी श्रीचंद थे उनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार के रूप में खापों का प्रतिनिधि चुनाव मैदान में उतारा गया और कांग्रेस ने उसका खुलेआम समर्थन किया। अब कांग्रेस की टिकट पर उनके चुनाव लड़ने का न कोई औचित्य था और न ही कोई बात बन रही थी, इसलिए जो मुकाबला था वो चौधरी श्रीचंद में और खापों के प्रतिनिधि के रूप में बनना था। लेकिन 1946 में जो आम चुनाव हुए उसमें शेर सिंह जी ने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में झज्जर से चुनाव लड़ा और अच्छे मतों से जीत हासिल की। 29 साल की उम्र में वो विधायक बने और शेर सिंह जी कांग्रेसी दिग्गज पंडित श्रीराम शर्मा से आयु में 18 साल छोटे थे और लेकिन उनमें राजनेता बनने के काफ़ी दमखम था और कालांतर में उन्होंने ये सिद्ध भी किया। प्रोफेसर शेर सिंह आर्य समाजी और प्रगतिशील सोच के युवा थे। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनका छोटूराम जी से संबंध है। 1938 में दिल्ली के प्रतिष्ठित रामजस कॉलेज में गणित की पढ़ाई में MA करने वाले प्रोफेसर शेर सिंह जी हरियाणा के पहले व्यक्ति थे। उनका आज़ादी से पहले के दौर में अंतर्जातीय विवाह हुआ था
और अंतरजातीय होते हुए भी उन्होंने यह प्रेम विवाह नहीं किया था। 1942 में उनका विवाह तत्कालीन पंजाब के आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान पंडित बुद्धदेव वेदांतकार की बेटी प्रभात शोभा जी से हुआ था और उस दौर में यह विवाह खूब चर्चाओं में रहा था। विवाह से जुड़ा एक प्रसंग यह भी है कि विवाह के बाद प्रोफेसर शेर सिंह जी ने आशीर्वाद प्राप्ति के लिए चौधरी छोटराम को पत्र लिखा था और इस पत्र के उत्तर में चौधरी छोटराम ने लिखा था कि इस प्रकार के विवाह को मैं अपनी जाति के लिए एक नहीं बल्कि अनेक प्रकार से हानिकारक मानता हूँ। चौधरी छोटराम की ये जो प्रतिक्रिया थी, इससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि उस दौर में ऐसे क्रांतिकारी काम करने वाले लोगों को आम लोगों ने किस तरीके से लिया होगा। चौधरी छोटराम की जिंदगी के इस सफर पर बात करते हुए दोस्तों, अब हम उस पहलू पर बात करते हैं जिनको लेकर समाज में जब तब तनाव की स्थिति बनती रहती है, सोशल मीडिया पर तो लोग लड़ते ही रहते हैं। चौधरी छोटूराम की आलोचना एक ऐसा पक्ष है जिसे दबी जुबान में सही लोग करने से पीछे नहीं हटते हैं। वैसे तो आजकल समाज में जातियों में इतना जहर घुला हुआ है कि एक समाज में पैदा हुए महापुरुष पर दूसरे समाज के अज्ञानी लोग टिप्पणी जरूर करते हैं और ऐसे दौर में भला चौधरी छोटूराम को किया जो आलोचना करने से लोग क्यों पीछे रहेंगे। हरियाणा में उंगलियों पर गिनने लायक ही लोग बचे हैं जिन्होंने चौधरी छोटराम को अपनी आंखों से देखा है। ऐसे दो चार लोगों से, बुजुर्गों से मैं भी मिला हूं, लेकिन अब तो वो बुजुर्ग भी इस दुनिया से जा चुके हैं। अगर चौधरी छोटराम को इस दुनिया, आप देखिए कि चौधरी छोटराम को इस दुनिया को छोड़े हुए 7 दशक से भी ज्यादा समय हो गया है, लेकिन हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों में उनके चाहने और मानने वालों की आज भी कोई कमी नहीं है। दोस्तों, यदि किसान तबका अलग अलग जातियों में विभाजित नहीं होता तो चौधरी छोटूराम कम से कम उत्तर भारत में किसानों के सर्वमान्य नेता होते, लेकिन फिर भी दिल्ली के कई सौ किलोमीटर के दायरे में चौधरी छोटूराम एक प्रभावी व्यक्तित्व के रूप में मौजूदगी अपनी मृत्यु के इतने साल बाद भी दर्ज कराते हैं। और अगर बात आप हरियाणा की करें तो हरियाणा के जाट युवाओं में तो उनका क्रेज समय के साथ बढ़ रहा है। अगर आप सोशल मीडिया को देखेंगे तो हरियाणा के जो जाट युवा हैं वो चौधरी छोटूराम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, दिलचस्पी रखते हैं और वो चौधरी छोटूराम को एक ऐसे क्रांतिकारी विचार के रूप में मानते हैं जो न केवल वर्तमान में प्रासंगिक है बल्कि भविष्य में भी उनकी समस्याओं का समाधान करने वाला है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि चौधरी छोटूराम की आलोचना ना हुई हो, उनकी सिर्फ आराधना ही हुई हो, और ये जीते जी भी और बाद में भी उनकी आलोचनाएं भी खूब हुई हैं। चौधरी छोटूराम के आलोचकों की आज भी कोई कमी नहीं है, लेकिन आलोचना ही किसी महान व्यक्ति के सही आकलन को, सही व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करती है। दोस्तों, यदि आलोचना पूर्वाग्रह से प्रेरित ना हो, तथ्यों और तर्कों पर आधारित हो तो उसे भी खारिज नहीं किया जाना चाहिए। पूरे आदर और सम्मान के साथ चौधरी छोटूराम पर बातचीत करते हुए अगर मैं याद कर पाऊं तो स्वतंत्रता सेनानी राम सिंह जाखड़ का उल्लेख प्रासंगिक है। जाखड़ साहब ने बाकायदा एक किताब लिखकर चौधरी छोटूराम की आलोचना की थी और उन्हें अंग्रेजों का समर्थक सिद्ध करने की कोशिश उन्होंने की और जाखड़ साहब के आरोपों के जवाब में भी जाट समाज के लोगों ने किताब प्रकाशित की और उनके आरोपों को निराधार बताया। देखिए, किताब लिखकर आलोचना की गई और किताब लिखकर ही उनका जवाब दिया गया। कितना बौद्धिक स्तर देखिए आप, बौद्धिक, सभ्य और लोकतांत्रिक समाज में बहस का ये श्रेष्ठ तरीका है। हालांकि जाखड़ साहब को समाज से बहिष्कृत भी किया गया, लेकिन निश्चित हुए तरीका सही नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो अतिवादी कदम हैं वो समाज को हमेशा पीछे धकेलते हैं। उसी दौर की मैं बात अगर बताऊं तो शिक्षाविद और राजनेता चौधरी हरिद्वाल लाल जी की बेटी होती थी डॉक्टर प्रेम चौधरी, यह आज भी दिल्ली में हैं। इन्होंने अपनी किताब पंजाब पॉलिटिक्स द रोल ऑफ सर छोटूराम में तथ्यों और तर्कों के आधार पर चौधरी छोटूराम के व्यक्तित्व, उनकी राजनीति, उनके आर्थिक दर्शन की विस्तार से चर्चा की है, जो निश्चित ही चौधरी छोटूराम के समर्थकों को कभी रास नहीं आई और उसी का नतीजा यह है कि बौद्धिक जगत में खासा स्थान रखते हुए डॉक्टर प्रेम चौधरी हरियाणा के जाट समाज में एक तरीके से आज भी अछूत की स्थिति में है। किसी भी समुदाय के लिए यह स्वस्थ स्थिति नहीं कही जा सकती। दोस्तों, हमें यह स्वीकार करना होगा कि कोई भी दुनिया में व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता और जब अपूर्ण व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में सक्रिय होता है
तो इस अपूर्णता की तरह तरह से व्याख्या होती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लगभग 3 दशक तक देश के जनजीवन में सक्रिय रहे और लगभग इतना ही समय चौधरी छोटूराम भी पंजाब की राजनीति और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे। दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा विरला ही महान व्यक्ति रहा होगा जिसकी सार्वजनिक जीवन की यात्रा का ग्राफ हमेशा एक जैसा चढ़ता हुआ रहा हो। गांधी जी जहाँ करोड़ों लोगों को आज भी प्रेरणा देते हैं, वहीं लाखों लोग देश में ऐसे भी हैं जो गांधी जी की न केवल आलोचना करते हैं बल्कि उनके नाम से भी नफरत करते हैं। गांधी तो इसी नफरत का शिकार भी हुए और उनको कत्ल किया गया, और असल में सार्वजनिक जीवन के इन जोखिमों से बचने का कोई रास्ता भी नहीं है, इन्हें तो अनिवार्य मानकर चलना ही पड़ेगा। डॉक्टर प्रेम चौधरी अपनी किताब में सवाल खड़े करते हुए लिखती हैं कि चौधरी छोटूराम अंग्रेज परस्त यूनिस्ट पार्टी के नेता थे और वे अंग्रेज सरकार समर्थक होते थे। यही लाइन आज भी समाज में चौधरी छोटूराम के आलोचक प्रयोग में लाते हैं, दबी जुबान कहते हैं। प्रेम चौधरी जी ने लिखा है कि चौधरी छोटूराम ने समूचे किसान तबके की लड़ाई नहीं लड़ी बल्कि उनके सिर्फ रोहतक जिले के बड़े और संपन्न जमींदारों के हितों की चिंता होती थी। डॉक्टर प्रेम चौधरी ने तो ये भी लिखा है कि जाट समुदाय के उच्च वर्ग के हितों की रक्षा के लिए छोटूराम जी ने जाट किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए जमींदार शब्द का इस्तेमाल कर उनकी भावनाओं का दोहन किया और जातीय अस्मिता के बल पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया। अपनी जो किताब है उसमें प्रेम चौधरी जी यहाँ तक नहीं रुकी, इसके अलावा उन्होंने जो उनका जो आकलन था वो ये था कि जाट अथवा किसान अस्मिता का निर्माण करते हुए चौधरी छोटूराम ने जाट समुदाय में मौजूद सामाजिक और आर्थिक विषमता को नज़रअंदाज किया, और चौधरी छोटूराम की चिंता में दलित और शूद्र शामिल नहीं थे। उनकी आर्थिक और सामाजिक दासता से मुक्ति के लिए उन्होंने कोई गंभीर पहल नहीं की। अपने निष्कर्ष में डॉक्टर प्रेम चौधरी ने लिखा है कि चौधरी छोटूराम को एक ऐसे अंग्रेज परस्त नेता के रूप में चित्रित करती हैं वो, जो संकीर्ण जाटवाद से ग्रस्त था, जिसने अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए व्यक्तियों और परिस्थितियों का अनैतिक इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं किया। प्रेम चौधरी ने अपनी थीसिस में, ये गूगल पे भी आपको मिल जाएगी, उन्होंने अपनी जो थीसिस है उसमें तर्कों और आंकड़ों के साथ इस बातों को रखा है, और स्थायी और पूर्वाग्रह ग्रस्त मानकर उनको खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन इस आलोचना के जरिए प्रेम चौधरी भी चौधरी छोटूराम जी में पूर्णता की तलाश करती हुई दिखाई दे रही है। इतिहास में दोस्तों ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुआ जिसकी वक्त के साथ लोगों ने आलोचनाएं ना की। असल में प्रेम चौधरी जी हों या कोई और हों, चौधरी छोटूराम विषय का आलोचना जिन बिंदुओं पर उन्होंने केंद्रित की है, अगर उनको जानने और समझने की हम गंभीर कोशिश करें तो बेहतर रहेगा। पंजाब के दक्षिणी पूर्वी हिस्से यानी कि हरियाणा के 5 जिलों अंबाला, गुड़गांव, हिसार, करनाल और रोहतक में से अंतिम 3 जिले हिसार, करनाल और रोहतक हिंदू जाटों का होमलैंड कहलाते हैं, उस समय भी कहलाते थे। जाट वर्चस्व और जाट बहुलता के कारण ही इस क्षेत्र की राजनीति जाट पॉलिटिक्स कहलाती थी। करीबन 100 साल बाद भी स्थिति अब भी बदली नहीं है। आज भी पुराना रोहतक जिला, जिसमें संयुक्त पंजाब दो रूप की 4 तहसीलें गोहाना, सोनीपत, रोहतक और झज्जर शामिल होती थी, देशवाड़ी बेल्ट के रूप में हरियाणा की सियासत को अपनी मुट्ठी में रखता है और प्रदेश की राजनीति का नर्व सिस्टम ये कहलाता है। आज़ादी से पहले चौधरी छोटूराम इस इलाके के एक छत्र नेता होते थे और उस दौर की राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घूमा करती थी। आज भी चौधरी छोटूराम की विचारधारा इस बेल्ट की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है। 1924-1940 के कालखंड में इस क्षेत्र के जाट प्रतिनिधियों ने जाट ग्रुप का गठन कर पंजाब की मुस्लिम वर्चस्व वाली यूनिस्ट पार्टी को अपने समर्थन से सशक्त किया और इस समर्थन की कीमत भी वसूली थी। चौधरी छोटूराम की वजह से ही ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त यूनिस्ट पार्टी की सरकार हरियाणा जो थी वो विशेषकर इस इलाके में जमींदार तबके का भला कर पाई। इस पट्टी में जाट वर्चस्व के निर्माण की, जाटों की बहुलता तब भूमि स्वामित्व की इसमें अहम भूमिका मानी जा सकती है। अगर उस दौर के आप डेटा को देखेंगे दोस्तों, उसकी पड़ताल करेंगे तो 1921 की जनगणना के अनुसार रोहतक जिले की कुल जनसंख्या करीबन 7,72,000 के आसपास होती थी।
और उसमें से जाट 262,000 होते थे, लगभग एक तिहाई। 1910 के आंकड़े के मुताबिक जिले में कुल 530 गांवों में से 385 गांवों में जाट समुदाय का संख्या और भू स्वामित्व की दृष्टि से संपूर्ण आधिपत्य होता था। गुहाणा, रोहतक और झज्जर में 97, 99 और 189 गांठ जो जाट गांव थे वो होते थे। ब्राह्मण और राजपूत 27 गांव होते थे। अहिर 25 गांव में वर्चस्व रखा करते थे। मुस्लिम, राजपूत और अफगान भी 25 और 12-15 गांव में वर्चस्वशाली थे। 26 गांव में दूसरी जातियों का वर्चस्व होता था। अगर आप उस समय की भूमि स्वामित्व के प्रश्न पर बात करें तो कुल योग्य भूमि का 60% जाट समुदाय के नियंत्रण में होता था। जिले के कनौधा और गिज्जी गांव में 99, 92 और 83.89% भूमि जाटों के स्वामित्व में थी। अन्य जातियों में मुस्लिम राजपूत के पास 7, हिंदू राजपूतों के पास 4.5, ब्राह्मणों के पास 6.5, अहिरों के पास 2.5, बनिया और पठान 2-2% भूमि के मालिक होते थे। 15.5% भूमि अन्य जातियों के नियंत्रण में होती थी। 1921 में जब दिल्ली टेरिटरी को पंजाब से अलग किया गया तो दिल्ली की सोनीपत तहसील को रोहतक जिले में मिलाया गया और नतीजन सोनीपत तहसील के 241 गांव भी रोहतक में शामिल हो गए। चूंकि इनमें से 123 गांव जाट बहुल थे और भू स्वामित्व भी उन्हीं के हाथों में था, इसलिए रोहतक जिले में जाट वर्चस्व था वो बहुत सशक्त हो गया था। सोनीपत तहसील की कुल 173,345 जनसंख्या में से 49,319 जाट होते थे। जाट बहुल 123 गांव के अलावा 47 गांव ऐसे थे जहां जाटों और ब्राह्मणों का कृषि भूमि पर संयुक्त नियंत्रण था। 21 गांव की कृषि भूमि पर जाटों और सैयद मुसलमानों का आधिपत्य होता था। चौहान और त्यागी ब्राह्मण 26 गांव में खेती की जमीनों के मालिक होते थे। जिले की सभी जाट भूस्वामी नहीं थे, ऐसा नहीं था कि सबके पास जमीन हो। 266,840 जाटों में से 87,261 भूमि के मालिक होते थे और भू राजस्व देते थे। 189,000 जाट भूमिहीन थे और जाहिर है कि भूमिहीन जाट या तो टेनेंट्स थे या फिर खेती और मजदूर, लेकिन इस भूमिहीन जाटों को भी जमींदार की संज्ञा दी जाती थी। ये बिना जमीन के जमींदार भी यूनिस्ट पार्टी का झंडा उठाते थे। जमींदारों में किस किस श्रेणी के जमींदार थे इसका अनुमान 1938 की भू राजस्व रिपोर्ट से भी आप लगा सकते हैं। जिले के कुल 145,435 भू राजस्व देने वाले परिवारों में से 63,000 परिवार वो थे जो मात्र 5 रुपये या उससे कम राजस्व देते थे। 333,088 5 रुपये से 10 रुपये के बीच राजस्व देने वाले लोग थे और 10 से 20 रुपये के बीच राजस्व देने वालों की संख्या 28,048 थी और 20 से 50,000 रुपये राजस्व देने वालों की संख्या 17,174 थी। 50 से 100 रुपये का भू राजस्व देने वाले मात्र 1,107 लोग होते थे और 100 से 250 रुपये के बीच 274 लोग लगान देते थे। 62 लोग ऐसे थे जो 250 से 500 के बीच लगान देते थे और 18 जमींदार 500 से 1,000 रुपये का लगान देने वाले होते थे। केवल 4 जमींदार ऐसे थे जो 1,000 से 5,000 का लगान दिया करते थे। जनाधार में इतनी ज़्यादा आर्थिक असमानता और सामाजिक भिन्नता के बावजूद यूनिस्ट पार्टी 2 दशकों तक पूरे जमींदार तबके की इकलौती प्रतिनिधि पार्टी बनी रही और ये कैसे बनी रही अगर इसकी पड़ताल आप करें इसको जाने तो बेहद रोचक जानकारियां सामने आएंगी। यूनिस्ट पार्टी का चरित्र परिस्थितियों और भूगोल के हिसाब से बदलता रहता था। पंजाब के मुस्लिम बहुल इलाकों और लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान डिवीजनों में पार्टी शहरी इलाकों के मुसलमानों के शामिल होने पर पार्टी में कोई रोक नहीं थी, नहीं वह पार्टी कारोबारी तबके के खिलाफ थी। जबकि हरियाणा में यूनिस्ट पार्टी का पूरी तरीके से शहरी और व्यापारी तबके से वो अलग चलती थी। रोहतक जिले में यूनिस्ट पार्टी एक तरीके से जाट और देहात में की जो पार्टी कहलाती थी। शहर तथा गाँव और जमींदार जो थे, शहर देहात, जमींदार गैर जमींदार के बीच बहुत बड़ी खाई यहाँ पर थी और अतीत की उस नफरत का असर आज तक रोहतक में महसूस किया जा सकता है। चोई छोटराम से उलट यूनिस्ट पार्टी के संस्थापक सर फजले हुसैन के लिए मुसलमानों के हित सर्वोपरि थे। खुद चोई छोटराम ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया था। और एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि यूनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के कार्यक्रमों और नीतियों से न केवल सहमत होती थी बल्कि समय समय पर उनका अनुसरण करने से भी गुरेज नहीं करते थे, लेकिन पंजाब कांग्रेस को वह बनिया और शहरी हिंदू पार्टी कहकर खारिज किया करते थे।
दोस्तों चोई छोटराम पर यह आरोप भी लगा कि वो एक दौर में जाट राज के प्रबल समर्थक होते थे। इस आरोप के जवाब में उन्होंने पंजाब काउंसिल में अपनी बात रखते हुए कहा था, वो बहुत गौर करने वाली बात है, चोई छोटराम ने पंजाब काउंसिल में कहा कि यह सच है कि एक अवसर पर मैंने जाट करेगा राज का प्रयोग किया था। मेरे लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में 25,000 या 30,000 लोगों की जनसभा में, जिनमें से 95% जाट हूँ, वहाँ मैंने इस शब्द का प्रयोग किया था। मैंने उस परिवेश और संदर्भ को समझाते हुए ये बात कही थी। इस बात से मेरा मतलब ये था कि लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांत के तहत जिस भी समुदाय की संख्या अधिक है, चाहे वह समग्र रूप से भारत हो या किसी प्रांत में हो, वह समुदाय अंततः अपनी ताकत के अनुपात में सरकार में प्रतिनिधित्व पाने के लिए बाध्य है, कोशिश करेगा। असल में जाट करेगा राज केवल एक सहजातीय जाट प्रांत या राज्य में ही संभव हो सकता है। इसलिए चोई छोटराम ने दिल्ली के एक बड़े प्रांत की कल्पना की थी, महादिल्ली की कल्पना चौधरी छोटूराम की देन थी। चोई छोटूराम जी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से यह मांग की थी 1929 में आगरा में जाट महासभा के अपने अध्यक्षीय भाषण में। तब से जाट महासभा ने इसका सक्रिय रूप से प्रचार प्रसार करना शुरू किया था, जो आज तक चल रहा है। और जिस महादिल्ली की कल्पना चोई छोटूराम ने की थी, उसके संबंध में कई बार प्रस्ताव पारित किए और वायसराय को भी इस आशय से एक प्रतिनिधिमंडल मिला था, लेकिन दुर्भाग्य से महादिल्ली की कल्पना पूरी नहीं हो पाई। दोस्तों इस तरीके से अब तक की जो बातचीत हमने की, उसमें देखते हैं कि हम डॉक्टर प्रेम चौधरी हों, जाखड़ साहब हो या कोई और चोई छोटूराम के आलोचक हों, उन्होंने चौधरी छोटूराम के जीवन की व्याख्या की है, उनके शोध में कमियाँ हो सकती हैं और जो हमारी युवा पीढ़ी है वो उनसे आगे जाकर शोध कर सकती है। हमें यह समझना होगा कि राजनीति हवा में नहीं होती है, अनेक कारक राजनीति को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दलों और राजनेताओं को जटिल संतुलन साधने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और ऐसे में समाज के सभी वर्गों को संतुष्ट कर पाना संभव नहीं हो पाता। चोई छोटूराम भी इसके अपवाद नहीं थे, लेकिन एक कुशल राजनेता के रूप में उन्होंने समाज के काफ़ी बड़े हिस्से की सामाजिक व आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए अपनी राजनीति का बेहद प्रभावी तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया। किसानों और कमेरों का जब तक इस दुनिया में नाम रहेगा दोस्तों, चोई छोटूराम को भी आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता रहेगा। अच्छा ये होगा कि भविष्य में लोग चोई छोटूराम जी पर और शोध करें, नई नई बातों को सामने लाने की कोशिश करें। सोशल मीडिया के इस दौर में हम लिखना पढ़ना भूल गए हैं, इस पर दोबारा लौटना होगा। आलोचना से ना गांधी जी छोटे हुए ना चोई छोटूराम छोटे होंगे, आलोचनाओं से गुजर कर ही सही व्यक्तित्व सामने आ पाता है। दोस्तों सूरज की रोशनी को भला कौन रोक पाया है, तो महापुरुषों के काम भी जनता में याद रखे जाएंगे। चोई छोटूराम को ये पीढ़ी हमेशा याद रखेंगी, आने वाली नस्लें याद रखेंगी। ये थी दोस्तों चौधरी छोटूराम की संपूर्ण कहानी, लेकिन मैं कहूँगा कि ये कहानी संपूर्ण नहीं है। ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है जिसकी कहानी संपूर्णता के साथ पेश की जा सकती हो। चौधरी छोटूराम जी का जीवन इतना विराट था कि एक घंटा नहीं, एक जन्म भी अगर हम शोध करेंगे तब भी थोड़ा पड़ता है। अगर आप इस वीडियो में कुछ और ऐड कर पाएं कमेंट में, आपका कोई रिसर्च इस बारे में हो, आप कुछ नया जानते हो, तो वीडियो के कमेंट में वो जानकारी लिखें ताकि मैं और दूसरे लोग भी वो जानकारी हासिल कर पाएं। एक छोटी सी कोशिश थी दोस्तों, राजनीति की बातों का सिलसिला 3 बजे चलता रहेगा। पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के अगले एपिसोड में हम और बहुत कुछ जानेंगे। ये वीडियो बड़ा इसलिए बना है दोस्तों कि 1 घंटे से कम में ये संभव नहीं था, मेरे लिए तो नहीं था, बहुत चीज़ें छोड़ी हैं तब जाकर ये 1 घंटे में समाया है। आप अपनी जानकारी ऐड करते रहें। शुक्रिया, नमस्कार।